मैं उन्हें जानता था अच्छी तरह। वो लड़की बड़ी बहादुर थी, उसे जिंदगी से बहुत प्यार था। ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है कि ऐसी लड़की जो तबीयत से फाइटर रही है, हमेशा उसने हिट बैक किया है, फाइट बैक किया है, वो आत्महत्या कैसे कर सकती है। ये एक बहुत ही बड़ा सवालिया निशान है। मैं ये कहूँगा कि पुलिस जो है इसकी तह तक पहुँचे, इसकी तफ्तीश करे, इसका इन्वेस्टिगेशन करे कि मौत की वजह क्या है। अभी हम कोई नहीं होते हैं यहाँ खड़े होके कोई भी हम फैसला सुनाए या हम जजमेंटल हों, हमें कोई हक नहीं है। पुलिस को अपना काम करना चाहिए ईमानदारी से और तह तक पहुँचना चाहिए, और अगर उसने आत्महत्या की भी है तो कानून में एक प्रावधान है जिसे कहते हैं अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड। अगर आप किसी को इतना परेशान करते हैं, मानसिक यातना देते हैं, मेंटली टॉर्चर करते हैं कि कोई भी खुदकुशी करने पर, आत्महत्या करने पर आमादा हो जाए, तो इसकी तह तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत ही दुख की बात है, 24 साल की बच्ची जो टीवी इंडस्ट्री के इतिहास की सबसे बड़ी स्टार्स में से एक थी, जिसने अभी अपना जीवन शुरू किया था, जो ज़िंदगी से बहुत प्यार करती थी, अचानक वो खुदकुशी कर लेती है। ये बहुत बहुत ही जो है हैरानकुन बात है। इससे पहले नफीसा जोसेफ, जिया खान, कुलजीत रंधावा और ना जाने कितनी लड़कियां हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे कदम उठाए हैं। देश ने एक बहुत अच्छी कलाकार को खोया है, माँ बाप ने अपनी बच्ची को खोया है। खैर वो तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन हम इतना ज़रूर चाहते हैं कि इस खुदकुशी के पीछे, पहले तो सबसे पहली बात तो यह है कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इस खुदकुशी के पीछे हु हैज़ पुश्ड अगेंस्ट द वॉल टू हर।